इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मुकदम। हमारे साथ आज बतौर मेहमान जनाब दस्तगीर इब्राहिम आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग के रियासती नायब सदर हैं और काफ़ी तजुर्बेकार हैं, सियासी तब्दीलियों पर उनकी बारीक नज़र होती है। सबसे पहले आगा साहब आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। सेशन 10 दिन का होने जा रहा है और 2024 एक साल तकरीबन बाकी है कर्नाटक के असेंबली चुनाव के। इस अधिवेशन में एंटी कन्वर्जन मजहब तब्दीली कानून को भी पास करने की बात कही जा रही है, चर्चेस पर हमले के भी बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमानों को लेकर भी निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम चीजों के पस मंजर में आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी तब्दीलियां क्या रूनुमा हो सकती है, आपके हिसाब से बताइए। मैं सबसे पहला इत्तेहाद न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमें मधु करे बुलाए और हमारे ख्यालात जानने का मौका दिए। और दूसरी बात, मैं पूरे हमारे आवाम से अपील करता हूँ कि ये पेंडेमिक जो चल रहा है, करोना वबा जो चल रही है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करें, क्योंकि इसका ये नहीं है। और अभी जो नया जो ये है ओमिक्रॉन जो वायरस है, मतलब उसका जो वेरिएंट है करोना वायरस का, ये वायरस का जो है कोई ये नहीं है। अभी बूस्टर जा वो ऐसे बातें हो रही हैं, तो इससे हम कोशिश करना, इसका इलाज भी ये है कि हमारा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये और अभी जो हमारा बेलगाम में जो सेशन हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बात करेंगे तो एक कॉरपोरेट गवर्नेंस है। ये बात तो मैं बहुत पहले से लोगों में कहता आया हूँ कि इंडिया में ऐसा लोकतंत्र जो है, मतलब डेमोक्रेसी जो है, वो ज़्यादा नहीं चल रही। कॉरपोरेट के फायदे के जितने भी कानून हैं वो पार्लियामेंट में हो या असम्बली में हो या कॉरपोरेशन में हो, ये पूरा हमेशा पास होते रहते हैं और उनके फायदे के ही काम होते रहते हैं। और आवाम के इसके अंदर क्या है, आवाम को सहूलत मिल रही है, आवाम सहूलत मिलने की वजह से बहुत खुश है, लेकिन उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है आवाम को, इसके ऊपर आवाम का कुछ ज़्यादा ये नहीं है। और गवर्नमेंट के तो कोई जॉब्स क्रिएट हो रहे नहीं, गवर्नमेंट कोई जॉब्स क्रिएट कर रही नहीं, लेकिन ये अभी ऐसी सूरत में, क्योंकि मुसलमान तो अकलियत में हैं, 20 करोड़ अगर 21 करोड़, और हमारे जो खास हमारे जो मुसलमान के जो एक जज्बाती जो नौजवान हैं वो 25-30 करोड़ भी अपने आप को बोलते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो फिगर है वो 20 करोड़ से करीब है। तो ये फिगर को क्या है, लेकिन 100 करोड़ तो हिंदू है जी, 105 करोड़ तो हिंदू है, और 105 करोड़ हिंदुओं को खुश करने के लिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ नाराजगी है, उनके पास महंगाई इतनी है कि वो कुछ कर नहीं सकते, जॉब्स है नहीं, बिजनेस के अंदर ये है। अभी जो बहुत सारे जो लोग हैं जो लोन लेके बैठे हैं, वो उनको किस्तें चुकाने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बैंक की तरफ से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये लोगों को खुश करने के लिए एंटी कन्वर्शन लॉ लाओ या मुसलमानों के बॉम लिंचिंग करो और ये गौ हत्या का ये है, तो ये सब बीजेपी करने की जो है एक मजबूरी है। और मजबूरी क्या, ये जो बीजेपी जो कार्ड खेली, जो पहले जमा जो पिछले 25-30 साल में जो कार्ड खेली, जो एक आरएसएस की एक सोच थी, आज से करीब 100 साल पहले जो हेडगा और जो आरएसएस के जो लोग थे उनकी कुछ एक सोच थी कि ऐसा कुछ होना, लेकिन ये नरेंद्र मोदी के
रूप में, और ये योगी आदित्यनाथ के इसके अंदर ये इनकी सोच को एक शेप मिले, एक क्या बोलते हैं, एक सपना साकार हुआ बोलते नहीं, वैसी बात है कि ये हुआ तो। लेकिन आज अगर अगर बीजेपी के अगर आज देखने जाएंगे तो आज बीजेपी इलेक्शन जीत सकती है। बीजेपी इलेक्शन जीतना बीजेपी के स्तर कोई मायने नहीं, मतलब एक बड़ा काम नहीं है। और फर्ज करो जैसा एक एग्जाम्पल गोवा है, एग्जाम्पल मध्य प्रदेश है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कर्नाटक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो बीजेपी की जो, क्योंकि वो उनके पास पैसा और मैकेनिज्म ऐसा है, गवर्नमेंट मैकेनिज्म ऐसा है, जैसा वो बीजेपी की शब्द बोल रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के शब्द बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जो है सीबीआई को, ईडी को एक तोते के हिसाब से उनके पिंजरे में, वो जहाँ पे के ऑपोजिशन को तकलीफ देना है वो सीबीआई ईडी को यूज करते हैं, ये उनके शब्द हैं। तो वो सेम टैक्टिक्स जो है आज ऑपोजिशन के ऊपर, तो आज भी आज के अगर तुम्हें राइट नाउ ये पोस्ट 2020 ये 2020 में जब मार्च में जब इंडिया में वबा आई ये कोरोना की, अगर उससे आज तक अगर ये पिछले करीब पौने दो साल का जो ये अरसा के अंदर अगर देखेंगे तो बीजेपी की आज बहुत खस्ता हालत है। लेकिन ऐसे इसके अंदर इलेक्शन जीत रही है, इलेक्शन जीतने की वजह बीजेपी नहीं, इलेक्शन जीतने की वजह अपोजिशन। लेकिन मैं आपकी बात ये काट रहा हूँ सर कि जब बीजेपी इलेक्शन जीतने ही वाली है तो फिर मसला किस बात का है, हुकूमत पर तो वही रहेंगे, फिर क्या चेंजेस कैसे आएगा बताइए। कि जैसा आपने कहा कि गोवा में भी अगर वो दूसरा कोई पार्टी का अगर जीत भी लेता है तो उसको पैसे से खरीद देते हैं, बाज़ वक़्त तो लोग ईवीएम मशीन टैम्परिंग का भी इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर हमें यकीन है कि अब इसके आगे बीजेपी ही जीतने वाली, तो फिर झगड़ा किस बात का, इख्तदार पर तो वही रहेगा। ईवीएम टैम्परिंग जो है ये एक क्या है कि ये ईवीएम टेम्परिंग जो है बीजेपी भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, क्योंकि जब कांग्रेस जब सत्ता में थी तो बीजेपी सेम आरोप लगाती है, आज जब कांग्रेस जब अपोजिशन में तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। तो ईवीएम टेम्परिंग ये है नहीं, एक मिथ है, मतलब है नहीं है, मालूम भी नहीं, नहीं करके भी मैं बोल नहीं सकता, इसके ऊपर कौन भी कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकता कि ईवीएम टेम्परिंग होता है। लेकिन मेन जो है जो बीजेपी जो कम्युनल कार्ड खेली है, वो 100 करोड़ हिंदुओं के जो दिमाग में आया है, जो एक जो बच्चे बच्चे के दिमाग में जो जो एक कम्युनलिज्म जो है, एक मुसलमान बोले तो एक लीच जैसा है, आज मुसलमान की जो एक ये है एक लीच के मानिन है, जो सिर्फ खून पीता है। मुसलमान एक नॉन प्रोडक्टिव प्रोडक्ट है एक इंडिया के अंदर, यह है वो सिर्फ एक ना ये कर नहीं, ये सेक्युलर लोगों की नाकामी तो नहीं ये है, हमारी लीडरशिप की नाकामी है। अगर हिंदुत्व ये जैसा एक ना अभी एक ना एक 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 एक्सपर्ट मैं बताता हूँ, एक वो एक्चुअली आरएसएस रेट्रिक है, वो देश हित में बोल रहा था कि अगर इसको खत्म करना है बीजेपी का जो अभी इनका एक्चुअली बीजेपी अंदर से पूरी खत्म हो चुकी है, अगर इलेक्शन जीतने का फंडा जो है वो मुसलमान का कम्युनल कार्ड खेलना, मुसलमान को बदनाम करना, ये उसका कम्युनल कार्ड है, और कामयाब भी है, कामयाब भी है, और इसके अंदर अभी वो क्रिश्चियनों को भी साथ में ले रहे हैं, क्रिश्चियन के भी चर्चेस के ऊपर हमला हो रहा है और दलितों के भी ये हो रहा है, तो ये सब जो है थोड़े 100 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए ये बात हो रही है। लेकिन अगर इसका जैसा आप पूछे कि इसका सलूशन क्या है, तो इसका सलूशन जो है एक स्ट्रांग अपोजिशन होना। स्ट्रांग अपोजिशन के अंदर अभी ममता बनर्जी जो आई अभी एक एक इसके ऊपर एक होराइजन जो बोलते हैं एक इसके ऊपर जो उठने की कोशिश कर रही है, वो क्या बोलती है कि यूपीए जी। तो एक एक्सपर्ट क्या बोलता है, यूपीए सरकार बनाने के लिए बनी थी,
अपोजिशन में बैठने के लिए यूपीए का कुछ काम नहीं। सही। आज यूपीए जो एक गठबंधन आता है कांग्रेस का जो, तो वो गठबंधन जो है वो अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए बना था। तो आज अपोजिशन में, आज ममता बनर्जी भी कहा ना कहा ये समझती है कि इंडिया में हम बीजेपी को पिछले आने वाले 5-10 साल हम उसे हरा नहीं सकते, ये कम से कम 2024 में तो उसे हरा नहीं। लेकिन एक स्ट्रांग अपोजिशन बनाने के लिए वो एक कोशिश अपनी कर रही है। तो उसके अंदर माइनस कांग्रेस, तो आज अगर पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन कांग्रेसियों को एक नैरेटिव है कि कांग्रेस के बगैर, क्योंकि रीजनल पार्टीज पूरे इंडिया में रीजनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज को अगर इकट्ठा कर सकती है तो एक नेशनल पार्टी वो है कांग्रेस, ऐसा उनका एक सोच है। लेकिन कांग्रेस वो अपने जो माँ बेटी के जो झगड़े चले राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आपसी झगड़े के अंदर कांग्रेस कभी रिवाइव हो नहीं सकती, बाहर का आदमी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन नहीं सकता। आप ही किस बुनियाद पर बोले कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चक्कर में? वो तो ओपन फैक्ट है, उसके अंदर इसमें उसे समझने के लिए कोई नहीं, क्योंकि देखिए ये सियासत है, सियासत में हर आदमी अपने मतलब से जाता है, तो जब एक आदमी का मतलब रहता है तो दूसरे आदमी का नुकसान रहता है इसके अंदर। तो जब मेरा प्रॉब्लम लेके जब मैं सोनिया गांधी पास जाता हूँ तो मेरा अपोजिशन जो है राहुल गांधी के। मान लो अगर मजबूत विपक्ष भी बनता है तो वहाँ किसका सुना जा रहा है? वो तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ मंजूर कर रहे हैं कानून। नहीं, जैसा आज के तारीख में देखिए, एक बात इंडिया में अभी हो चुकी, इंडिया में बात हो चुकी कि आपका जो है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र में लोकशाही के अंदर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में लगभग अभी खत्म हुई, जैसे आज जितने भी है, आज अपोजिशन कहाँ बैठती है पार्लियामेंट में? हमारे जो एमपीज है अपोजिशन के कहाँ बैठते हैं वो? मुझे एक बात बताओ कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में नहीं बैठते, वो गांधी के स्टैचू के नीचे, गांधी के पुतले के नीचे बैठते हैं, अपोजिशन वहां पे बैठती है। तो आज अपनी बात मनवाने के लिए आपको रोड पे आके संघर्ष करना पड़ना। इसका बेस्ट और बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारा फार्मर एजिटेशन जो अभी आज कल खत्म हुआ। तो ये एक हमारे स्तर एक लाइव एग्जाम्पल है कि आज हमारी जो भी हमारी को बात मनवाना है कि हमारे को कुर्बानी देना पड़ने वाला, हमारे को धरना प्रदर्शन करना। धरना प्रदर्शन बोले तो ऐसा नहीं हो कि अभी व्हाट्सएप न्यूज चलाने का नहीं है, एक फोटो लेके लोग क्या करें अपने घर के सामने तख्तियां पकड़ के फोटो करके व्हाट्सएप पे डाल। अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात ली जाए तो जिस तरह से ये कम तो पहले से बिखरी हुई है, अब सियासी पार्टियां फिर उसकी कमी और कोई बाकी नहीं रही कि जैसा आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, जेडीएस है और भी दिगर पार्टी, समाजवादी पार्टी भी बेलगाम में आई। तो ये जहां पर अभी नॉर्थ की बात की जाए कि 1 लाख मुसलमान है, अगर 5 नुमाइंदे मुसलमानों के ही खड़े होते हैं, जाहिर है इसी का फायदा तो इन कम्युनल फोर्सेस को होता है, तो फिर इनको कैसे जोड़ा जाए? क्योंकि पार्टी की मोहब्बत दीन अल्लाह रसूल से भी ज्यादा बढ़कर हमारे लोगों में पाई जाती है सर, तो इसका क्या तोड़ हम निकाल सकते हैं, इसका हल क्या है? इसके मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरा पहले का मेरा खत्म करके मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि अभी इसका सलूशन क्या है। कि इसका सलूशन जो है, कांग्रेस जैसा इंदिरा गांधी के टाइम में इंडिकेट सिंडिकेट हुआ, जो कांग्रेस टूटी और कांग्रेस आई कांग्रेस में, इंदिरा कांग्रेस में, तो ऐसा कांग्रेस के अंदर अभी एक टूट होना, कांग्रेस के अंदर कोई भी एक नया आदमी लीड करना, एक नया फैक्शन को लीड करना माइनस गांधी, वो लीड करना, स्ट्रांग होना और उसके बाद में यह होना। अभी रही हमारे कम्युनिटी की बात, हमारी कम्युनिटी को देखो, हमारे पास हमारे जो भी मुसलमान है, जैसा भी है मुसलमान, मैं देखा हूँ कि अदना से अदना मुसलमान भी कुरान के ऊपर पूरा उसे ईमान है, हदीस के ऊपर पूरा ईमान है, तो उसे हमारे को रहनुमाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारा कुरान है। हमारा मेन प्रॉब्लम है हमारी सियासी लीडरशिप, हमारा मेन जो प्रॉब्लम है सियासी लीडरशिप, और सियासी लीडरशिप हमारा जो है, क्योंकि हम जो है ये है, और हमारे इसमें फॉलोइंग होती है, फॉलोइंग भी नहीं होती,
और जो हमारा जो अभी जो ये है लीडरशिप को हम स्ट्रांग करना, स्ट्रांग कैसा करेंगे हमारी लीडरशिप? आज जो आप जो बोले बेलगाम के अंदर कि नहीं आपस में हम लड़े तो कैसा हमें जीत पाएंगे, नहीं स्ट्रांग हम एक नया ऐसा है हमारी लीडरशिप को हमारे को स्ट्रांग करने का रहेगा। तो हमारे पास जो है हमारे को हमारा जो भी नौजवान है हमारे भी हमारे जो है क्योंकि हमारे हम 50% मुसलमान जो है 50% ताकत को हम अधूरी ताकत लेके चलते हैं। हमारी 50% ताकत है हमारी माँ बहने, हमारे जो खवातीन जो है हमारे जो औरतें हैं वो हमारी ताकत है। तो इनका नैरेटिव चेंज क्या होना कि लीडर कैसा होना, इनका लीडर जो है इनका रहनुमा है जो है वो काम करने वाला आदमी होना, समझे कि नहीं? वो क्या है उसके जिसका फोटो है जो पैसे खर्च कर रहा है उसे हम लीडर मान रहे हैं, लीडर वो नहीं। हमारे इसमें क्या होता है कि दो बातें होती है पूरे दुनिया में, अगर मुसलमान अगर जाके देखेंगे पूरे दुनिया, वो जो अमेरिका में एक नए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा या कहीं पर भी पढ़ा वो एकदम आला मुसलमान होंगे या एकदम अदना एकदम जिसे कुछ भी नहीं है शराबी कबाबी जैसा भी है वो तो दो बोल देंगे, तो एक हमारे इसमें एक ही नहीं है, एक हमारा लीडर दो सवाल, तीसरा सवाल है ही नहीं या लीडर एक ही क्या है, एक ही हमारे को मुद्दे के ऊपर एक होना, जो हमारे रोड के ऊपर जो हमारा मुद्दा है इश्यूज है उसके ऊपर हमारे को एक ही होना और हमारा लीडर वो जो वो इश्यूज को लीड करने वाला लीडर। अच्छा अच्छे गाड़ी में बैठ के घूमने वाला या अच्छा ओरिएटर बनने वाला वो हमारा लीडर नहीं, जो हमारे मुद्दे को लीड करने वाला। और आज के तारीख में अगर हमारे को सियासी तौर को सर्वाइव होना है, अगर हमारे को एक सेकुलर पार्टी को सपोर्ट करना है किसी भी सेकुलर पार्टी, क्योंकि मुसलमान जो है माइनॉरिटी में और मुसलमान जो है जहाँ पर भी है वो अपनी मजबूती से अपनी ताकतवर बनना है अपने बलबूते को, हमारे को किसी भी बैसाखी की हमारे को जरूरत नहीं, हम बैसाखी लेना क्योंकि हम सेकुलरिज्म का ये जो खेल है पिछले 70 बरस देखे मुसलमान का जो भी है कांग्रेस में हो बीजेपी में हो जनता दल में हो कोई सी भी इसके अंदर में हो खाली वोटर जो होता है मुसलमान को जो वोट लेता है वो खाली मुसलमान के वोट से ही वो चुन के आता है, वो चुन के आने के बाद में वो बीजेपी का लीडर होता है, वो कांग्रेस का लीडर होता है, वो जनता दल का लीडर होता है क्या, क्योंकि मुसलमान को गैर जात का कभी वोट भाता नहीं, ये पूरे हिंदू से कश्मीर से कन्याकुमारी तक का इसका रिकॉर्ड है। तो हमारे को हमारे तौर के ऊपर मजबूत होना, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर अगर हमारे को किसके साथ हमारे को अलायंस करना है रीजनल पार्टीज के साथ या नेशनल, तो उनके साथ हमारी लीडरशिप जो है ये हमारी जो यहाँ पे लीडरशिप की इनकी कमजोरी और इनकी मफात इनके इनकी बुजदिली बोलो या इनका जो बदनीयती बोलो ये जो भी ऐसे शब्द है इनके ऊपर वहाँ उनके यूज होता है, जब उनकी बात जब हमारी कौम की बात जब उनके सामने रखने की बात आती है तो वो सीधी तरह से नहीं रख पाते क्योंकि इनका जाति मफात इनको ठेस पहुँचता है, इनके इनके फैक्ट्रीज नहीं चलते, इनके इनके बहुत सारे जो उनका घर चलते रहता है उनके जो धंधे चलते रहते हैं उसके ऊपर आते इसके लिए वो हमारी बात। तो अभी हमारे को क्या करना है, करेक्टिव सोल्यूशन इसका क्या है कि हमारे को अपने बलबूते पर हमें स्ट्रांग होना, कॉरपोरेशन में हो पंचायत में वो हमारे बलबूते के ऊपर हम स्ट्रांग होना, जब हम रिकग्नाइज्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्टेट लेवल की नेशनल लेवल की जब हम बात करते हैं तो उनके साथ खुले तौर के ऊपर बार्गेनिंग करना, क्या हमारे को ये सब चाहिए, अगर तुम्हारे को मैं एज अ MLA मैं एज अ कॉरपोरेटर मैं एज अ MP तुम्हारे को नेक्स्ट टाइम चाहिए तो ये मेरे मुतालबे तुम्हारे को मानना पड़ने वाला। और इसका डिमांड ना सिर्फ MLA और ना सिर्फ एक ना कॉरपोरेटर करना, इसका डिमांड जो है हमारे घर के औरतें और हमारे नौजवानों में ये शऊर आना चाहिए
कि हमारे इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इलेक्शन से जन्नत तो नहीं मिलने वाली, इलेक्शन से जन्नत और आखिरत तो बनने वाली नहीं, इलेक्शन के अंदर दुनिया के अंदर हम क्या हासिल कर सकते हैं, खिदमत एक खल्क हम कैसा कर सकते हैं, इसके लिए हमारे को ग्राउंड लेवल के ऊपर ये एक डिमांड, एक सोच अभी आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में प्रॉब्लम आने वाला है। आज बीजेपी टोटली खत्म हो चुकी है, बीजेपी पूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन बीजेपी आपको दिख रहे वो जीत रही इलेक्शन, इसलिए जीत रही इलेक्शन के अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, बीजेपी की ताकत बीजेपी नहीं है, बीजेपी की ताकत अपोजिशन विपक्ष है, तो इसके वजह से ये सब चीजों का अभी हम ख्याल करना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दस्तगीर आगा साहब ने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने तौर पर कहीं पर भी जाकर मजबूत होना है ताकि हम अपनी आवाज़ को सही तरीके से रख सकें, नौजवान को अपनी ताकत बनानी है, खासकर ख्वातीन का उन्होंने जिक्र करते हुए ये भी कहा कि हम सब जब मिलकर एक सही लीडर को चुनेंगे जो आगे जाकर बात कर सके, और अगर नेशनल लेवल पर हो तो वहाँ पर भी बड़े पार्टियों से हम मुआहदा कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहे इत्तेहाद दूत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।